स्नेहा राउत, बीएस क्राइम इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मोहम्मद तनवीर की खास खबर पर एक नजर। दिल्ली के रामलीला मैदान में दलित समाज ने शहीद दिवस का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि दिल्ली सरकार समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम और कई गणमान्य अतिथि शामिल हुए। गत वर्ष 2018 में 2 अप्रैल को दलित समाज की ओर से पूरे भारत में भारत सरकार की गलत नीति के खिलाफ दलित समाज ने संपूर्ण भारत बंद किया था और भारत सरकार पर दबाव बनाया था। वो दलित समाज यानी SC ST पर लगे बंद को खत्म कर, जिसके चलते दलित समाज का शोषण हो रहा है। भारत के विभिन्न राज्यों में इसी बंद को लेकर दलित समाज पर सरकार ने अत्याचार किया, जिसमें दलित समाज के 13 लोग शहीद हुए। आज का यह शहीदी दिवस उन लोगों को श्रद्धांजलि के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर सभी लोगों ने सरकार से मांग की कि उन शहीदों के आरोपियों को गिरफ्तार करके उन्हें सख्त सजा दी जाए। दिल्ली सरकार के सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य रविशंकर ने कहा, हमारी भारत सरकार से मांग है वो शहीदों के आरोपियों को गिरफ्तार करके शहीदों के परिवारों को इंसाफ दे, क्योंकि दलित समाज के वो लोग हमारे शूरवीर थे जिन्होंने अपनी जान की आहुति देकर दलित समाज का मनोबल बढ़ाया और आज का ये शहीदी दिवस उनकी याद में समर्पित है। पिछले वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश जारी हुआ था, जिसमें SC ST एडमिशन एक्ट के ऊपर अध्यादेश आया था, उसके विरोध में संपूर्ण भारत में दलित समाज एक साथ सड़कों पर आ गया था और पहली बार पूरे भारत को दलित समाज ने संपूर्ण रूप से बंद किया था। उस बंद के दौरान शांतिपूर्ण इस आंदोलन को पूरे भारत में चलाया जा रहा था। उस समय हमारे कुछ दलित युवा साथियों को गोलियां चला के, उनके ऊपर गोली चला के उनको जो है मार दिया गया था और आज उस 2 अप्रैल को एक वर्ष पूरा हो गया है। तो ऐसा आंदोलन पहले नहीं कभी हुआ था कि जब पूरा भारत दलितों ने बंद किया था SC ST एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ। उसमें जो हमारे 12 से 15 लोग जो युवा साथी जो हमारे शहीद हुए थे, आज उनको शहीदी दर्जा देने के लिए और उस 2 अप्रैल को बहुजन संघर्ष दिवस के रूप में आज मनाने का सबने जो है ऐलान किया था। उस बहुजन संघर्ष दिवस के उपलक्ष्य में आज हम 2 अप्रैल को सब रामलीला मैदान में एकत्रित हुए। आज ये शौर्य दिवस में आया है, इसके पीछे क्या मकसद है, क्या है? आप चाहते हैं कि सरकार तक आपकी बात पहुंचे? जी जरूर पहुंचे। और हम अपने यहाँ पर आए जो मुसलमानों को लेकर जो अन्याय होता है, जो पीछे जब तक हमारी सरकार दलितों को समाज को जो उन्होंने इतना दबा रखा है, पिछड़ापन दे रखा है, उसको आगे उठाने के लिए हम अपनी आप पार्टी के साथ हैं और साथ ही रहेंगे। हम सागर है और मैं दिल्ली सरकार में SC ST वेलफेयर बोर्ड का मेंबर हूँ। 2 अप्रैल को 2018 में पूरा बहुजन समाज जो है एकजुट हुआ और भारत बंद उसने किया, जिसमें हमारे 14 लोग मारे गए जो कि शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर गोलियां चलाई गई, जिन लोगों ने गोलियां चलाई गई उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। हमारी सरकार से यही मांगे है कि उनको उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए और मेरी नज़र में कम से कम उनको फांसी की सजा बनती है।